Fine. Welcome to all, divine creature. Let's start. Today is polity class. Your subject is political science, so-called polity, Indian polity. And under Indian polity, your topic is Constitution of India. Will take near about 12 to 15 hours. Yaad rakhiyega ye 15 घंटे लेगा भारत का संविधान कम से कम, तो एकदम याद रखिएगा ये एक परमानेंट 2 वीक का टॉपिक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसके फीचर्स, स्पेशलिटी, मूल पहचान, ओरिजिनलिटी, इसके अलावे प्रीएम्बल, ऑल आर्टिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल आर्टिकल्स, शेड्यूल एंड पार्ट्स एंड सो फार अमेंडमेंट, ये सभी पढ़ेंगे। यानी हम प्रस्तावना, सभी अनुसूचियां, सभी भाग, भारत के संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव, संविधान के विशेष फीचर्स, पहचान, विशेष लक्षण, मूल तत्व, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और तमाम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो मेनी थिंग्स, पीएम, लोकल गवर्नमेंट एंड मोर एंड मोर एंड मोर, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं दो चीजें थोड़ा पहले जा करके। एक तो ये जो नेहरू रिपोर्ट था, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? आप कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स, सर्वदलीय सम्मेलन में इसे तैयार किया गया। तो सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो गणमान्य नेता थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से कौन से लीडर थे, ये पूछता है। दूसरा, 1937 में जो प्रोविंशियल पार्ट हमने अडॉप्ट किया और उसके आधार पर स्टेट्स में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में किस स्टेट में कौन सी पार्टी की सरकार बनी एंड हु वॉज दैट टाइम चीफ मिनिस्टर? याद रहे उस टाइम में चीफ मिनिस्टर को पीएम कहा जाता था, पर आप चीफ मिनिस्टर समझिए कौन था। तो ऐसे 11 स्टेट थे, उन्हें 11 में से हर स्टेट को जानना उचित है क्योंकि सवाल पूछता है। तो जब हम नेहरू रिपोर्ट के मेंबर्स 1937 के असेंबलीज, इलेक्शंस के सीएम एंड स्टेट्स एंड पार्टीज कर लेंगे, तो तीसरे नंबर पे हम आएंगे द सोर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज हमने किस देश के संविधान से लिया ये, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल, देन शेड्यूल, देन पार्ट्स, देन आर्टिकल्स, देन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जैसा मैंने कहा था सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इनसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं बेटा नेहरू रिपोर्ट, ऑल पार्टी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस लिखते हैं। और उसमें कौन क्या थे ये जानना जरूरी है।
तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, आप सब जानते हैं, ठीक है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी चेयरमैन थे, ये याद रखना है। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी, और उस टाइम में उनकी स्थिति क्या थी जवाहरलाल नेहरू की, तो वो सचिव थे, लेवल इनका क्या था, सचिव सेक्रेटरी। तीसरा आता है सुभाष चंद्र बोस, ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी के थे सुभाष चंद्र बोस। फिर और क्या कांग्रेस पार्टी से थे? नहीं, तो अब कौन होंगे? तो सर अली इमाम मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग पार्टी से थे। क्या और भी थे मुस्लिम लीग पार्टी से? तो हाँ, शुएब कुरैशी, ये भी मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग से थे। क्या मुस्लिम लीग से और भी थे? नहीं, अब कौन है? हिंदू महासभा से बात करें तो एम एस आने, हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी। तो क्या कोई और थे? तो हां, एम आर जयकर, ये भी हिंदू महासभा से थे। तो क्या और भी कोई हिंदू महासभा थे? नहीं, अब कहां से थे? तो याद रखिएगा, अगला जो है अलग अलग लोग थे, जैसे जी आर प्रधान हरिजन संघ से थे, हरिजन संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन हां एक उभरती हुई पार्टी थी। तो क्या और भी थे? तेज बहादुर शत्रु, तेज बहादुर शत्रु कहां से थे? उदारवादी दल। यानी लिबरल पार्टी। और अगला सवाल बनता है तो क्या और भी कुछ? तो हां, तो ध्यान में रखना है और कौन से पार्टी के थे? तो सरदार मंगल सिंह सिख को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रिप्रेजेंट टू सिख कम्युनिटी। रिप्रेजेंट सिख कम्युनिटी। एंड फाइनली एक श्रमिक संघ से भी थे, और जानते हैं एम एन जोशी, मल्हार राव नारायण जोशी।
M.N. Joshi. लाइब्रेरी ओरियन से तो आप जरा देखिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। तो याद रखना है ये 11 लोग जो थे उनका संदर्भ ये बता रहा है, ठीक है। तो ये 11 लोग थे, बेटा हाईलाइट कर देता हूं। ये जनाब हाईलाइटेड है, क्या बाप बेटे दोनों थे? बाप बेटे दोनों थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे? बिल्कुल थे। मुस्लिम लीग से कौन थे? ये सवाल है। हिंदू महासभा से कौन थे? ये सवाल है। हरिजन के प्रतिनिधि कौन थे? ये सवाल है। उदारवादियों के प्रतिनिधि कौन थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तेज बहादुर शाह, ठीक है। सिख कम्युनिटी कौन थे? श्रमिक संघ से कौन थे? ठीक है, ये है। और एम एन जोशी, ये बहुत फेमस नाम होता है। तो बेटा आप कितने छोड़ चुके? 3। बाकी नाम तो आपको चाहिए, तो ध्यान में रखना है। आपने छोड़ा क्या? बस एक, शुएब कुरैशी। तो कौन कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन संघ, उदारवादी, सिख, श्रमिक संघ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी देर आर 7 parties, 11 people याद रहेगा, ध्यान में रखना है। चलिए, तो इन दैट रिस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। बेटा इसको मिटा देते हैं, यहां से एक क्वेश्चन तय होता है, इसको फिनिश करिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है 1937 स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड गवर्नमेंट। तो यहां पर हम स्टेट्स का नाम लिखेंगे, यहां पर हम सीएम या पीएम उस वक्त कहा जाता था का नाम लिखेंगे, और यहां हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखेंगे। स्टेट का नाम तो छोटा होता है, सीएम का नाम बड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम बड़े हो सकते। 1937 स्टेट असेंबली इलेक्शन गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा मद्रास, सी राजगोपालाचार्य।
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तो ये ध्यान रखना है। पार्टी कौन सी थी तो उस टाइम इसका नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या फिर कांग्रेस, या फिर इसे कहते हैं टुडेज आईएनसी, एक ही बात है। तो मद्रास आपने देख लिया, तो मद्रास के सटे क्या था, बंबई, तो बीजी खरे। सवाल है किस से, तो कांग्रेस से, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। बंबई से फिर जाइएगा बेटा तो बॉम्बे, देख जैसे नीचे आए मद्रास, मद्रास से बॉम्बे, तो आगे क्या आना चाहिए, अगर देखा जाए तो आगे आना चाहिए मध्य प्रांत या कहिए बरार। सेंट्रल या बरार इसे कहते हैं। तो यहां पर क्या है मध्य, और आदिवासी हमारे समुदाय वहां खरे होते हैं, तो यहां भी खरे है, खरे का नाम यहां क्या है एन बी खरे, बाद में यहां पे रविशंकर शुक्र बनेंगे, एन बी खरे। लेटर ऑन रवि शंकर शुक्ला, ये भी ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी से ही थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब बेटा इससे ऊपर आएंगे तो थोड़ा महाराष्ट्र का संदर्भ जो है वो तो हो गया, तो मद्रास हो गया, ये हो गया बिहार, संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत, इसको संयुक्त ही कहते थे। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस जैसे होता था इसको हम कहते थे संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत में कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत, ऑब्वियसली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब उसके पास और क्या क्या आपका आएगा तो देखते हैं हम। अगला जो है आपका ओडिशा ले लें, बी एन दास, ओडिशा बी एन दास, ये भी बेटा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब ओडिशा का बगल में क्या है, बिहार, तो बिहार में कौन थे, श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस ही, श्री कृष्ण सिन्हा ऑब्वियसली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब बिहार के बगल में ले लेते हैं बंगाल, ठीक है, तो बंगाल या उत्तर पश्चिम, तो कौन सा ले, तो सबसे अच्छा बंगाल ले लेते हैं, तो बंगाल में चलिए, बंगाल का आपका क्या है ये देखते हैं, तो बंगाल में है फजलुल हक, ठीक है, फजलुल हक, मुस्लिम लीग की सरकार थी यहां पर। फिर अब आते हैं असम, बंगाल से असम चले तो असम में है शादुल्ला, ठीक है, और ये बाद में गोपीनाथ बारदलोई होंगे,
later on Gopinath, Bardoloi, और ये मिली जुली सरकार। गठबंधन यानी कोएलिशन की सरकार थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट अब कहां बच गए आप, तो चलते हैं सिंध। ठीक है, सिंध में किसकी सरकार थी और पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो पंजाब की बात करें तो फिर सिंध जाएंगे, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिंध कर लेते हैं। सिंध में अल्लाह बख्श, ठीक है, किसकी, तो यहां भी बेटा मिली जुली सरकार थी अल्लाह बख्श की। अब देखें तो सिंध के ऊपर चलें पंजाब, तो पंजाब में सिकंदर हयात खान देख लिया जाए, आ जाना चाहिए पंजाब। सिकंदर हयात खान किसकी सरकार थी, तो दो लोगों की सरकार थी, यूनियन यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी, यूनियन निस्ट एंड कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, दिख रहा है, ये तो थोड़ा सा हम ठीक है कृषक प्रजा। एंड फाइनली वन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फ्रंटियर पोस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट। और यहां पे जो सरकार थी डॉक्टर खान शाह, मिली जुली सरकार, डॉक्टर खान कॉलेशन लॉर्ड। तो आपने देखा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब इसमें सवाल कहां से आएगा, सवाल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा नहीं बिहार इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, बंगाल इंपॉर्टेंट है, पंजाब इंपॉर्टेंट। ये जो सिक्स मैंने शो किया है, सिक्स, ये सिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा,
पार्टीज भी याद रखना जरूरी है, जो सिक्स मैंने कहा, कौन से जगह किसकी सरकार और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर, ये उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के सीएम को, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी पूछ दे तो कोई हर्ज नहीं है कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर किस स्टेट में थी, और ऐसे समझने के लिए वो चीफ मिनिस्टर है। ये समझ में आ गई बात, अब ध्यान देंगे कांग्रेस कितने जगह है उसको गौर फरमाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। और देखिए असम कोलिशन गवर्नमेंट है ना, बाद में यहां पर कांग्रेस आएगी तो सात हो जाएगी, और दो जगह कोलिशन गवर्नमेंट है, तो एक, दो, तीन, इनमें से दो जगह कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी, तो सात, नौ, ठीक है ना। कांग्रेस ने अपने, ध्यान देंगे यहां पर लिख देता हूं तो याद रहेगा, सेकेंड सितंबर 1939 ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी गॉट रिजाइन फ्रॉम सेवन स्टेट्स फुल मेजोरिटी गॉट अगेंस्ट चर्चिल डिक्लरेशन इट्स कंसीडर बिगिनिंग ऑफ व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, चर्चिल ने, ठीक है, चर्चिल ने 2 सितंबर 1939 को यह डिक्लेयर किया, जो ब्रिटेन का पीएम था, कि भारत के संसाधन का और भारत के लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। That was the declaration of Churchill, and we are against. हम लोग क्या थे, against थे. So we, if I am in government, these parties are in government, if I am in government, it is clear cut indication that yes, the Indians are supporter of British in Second World War. If we resign from this estates government collectively, then it is a clear cut message to not only Britain, whole the world, India is not in support of Britain. Look, because they resigned from the government, so I am not government, I am not in government, how can I support? No need to support. So that was the message that's actually suggested by Mr. Gandhi. You are not going to be good government, most of power in hand of the Governor General. So you are not fulfilling the desires and need of the people. You are day by day disfaming yourself. In that respect, some time has been come. You should not, you must be resigned from the government and come to the start. Vyaktigat Satyagraha, individual Satyagraha. So the 2nd September is date is considered the beginning of Vyaktigat Satyagraha in India. Okay? And given a slogan. You know, मालूम है,
Delhi Chalo. The first time from Meerut 1857, second time Delhi Chalo, and third time Subhash Chandra Bose from, you know, Myanmar moved to Delhi, Delhi Chalo. तो दिल्ली चलो का नारा तीन बार दिया गया भारत, ये याद रखना है। आपसे पूछेगा 1939 में कितने राज्यों की कांग्रेस सरकार ने सरकार से सामूहिक इस्तीफा दिया, सेकेंड सितंबर सेवन कांग्रेस स्टेट्स गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिजाइंड अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ चर्चिल एंड स्टार्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये बॉक्स में डाल दिया हूं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलिए ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया, जितना सवाल है यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है, और आप करेंगे, ठीक है। मिटा देता हूं इसे, आप जो नेक्स्ट है बेटा आपका, कि हमने अपने संविधान में दुनिया के बेहतरीन संविधानों से क्या क्या लिया, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस पर आ गया, तो याद रखिएगा इसको कैसे बनाए, इसे बनाएंगे कंट्रीज, और कंट्री तो आपको मालूम है इसमें आराम से आ जाएगा, और यहां बनाएंगे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, और ये पूरा चलेगा, ठीक है। कंट्रीज एंड सब्जेक्ट्स, विषय क्या चीज हमने कहां से किया, तो कौन कौन से देश हैं ये देखना है, कनाडा, अमेरिका, तो यहां कैसे स्टार्ट करें, तो दूर से स्टार्ट करते हैं, कनाडा से फिर अमेरिका से, देखिए आपको लेके चलते हैं। कनाडा, उसके बाद ले लेते हैं यूएसए, यूएसए कनाडा, कनाडा हुआ यूएसए, उसका अटलांटिक क्रॉस करिए आ जाइए आयरलैंड, आयरलैंड के नजदीक आएंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद इंग्लिश चैनल क्रॉस करिए आइए फ्रांस, ठीक है। अब उसके बाद क्या, तो फ्रांस से नजदीक है जर्मनी, अब जर्मनी के बाद कहां चले, नहीं तो जर्मनी के बाद कहां चले, तो देखिए जर्मनी के आसपास कोई इंपॉर्टेंस है जहां से हम लिए, नहीं तो चलिए रसिया, अब रसिया के बाद कहां चले, बगल में है जापान, अब जापान के बाद आसपास कहां जाना है, तो सीधा जाइए न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड के बाद बगल में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद और कहीं कुछ जाने की जरूरत है जहां से कुछ लिया? तो हां, अब आइए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों से बहुत कुछ लिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो ये 11 देश हैं जहां से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, कहां से क्या लिया ये समझाना है, ठीक है। तो कनाडा से क्या लिया? तो पहले एक बार समझाता हूं, फिर उसके आगे लिख दे, ठीक है। तो पहले समझा दो, गौर फरमाएंगे, याद रखने का तरीका है। आप जैसे मैं हूं, मेरे सामने ये जो लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप को ही मैं क्या बना देता हूं, मैप। मेरे आसपास तो मैप है पर मेरे सामने मैप नहीं है, तो मैं दिमाग में लेता हूं कि ये मैप है। और सबसे नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, अगर मैप के सामने मैं हूं, यानी मैं अपने को इंडिया के सामने रखता हूं, तो मैं नॉर्थ वेस्ट में जाऊंगा तो हमें मिलेगा कनाडा, उससे नीचे उतरेंगे तो अमेरिका, एटलांटिक क्रॉस करेंगे तो आप भी जान रहे क्या आएगा, आइसलैंड, सॉरी आयरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लिश चैनल फ्रांस, फ्रांस से जर्मन, जर्मनी से रशिया, रशिया से जापान, जापान से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडियन ओशन पार करके साउथ अफ्रीका। ये 10 और 1, कुल 11 राज्य है, देश है, जहां से हमने कुछ न कुछ बेहतर चीजें ली हैं और अपने संविधान में स्थान दिया है। कहां से क्या लिया है तो गौर से सुनते जाए। हमने कनाडा से क्या लिया, तो समझे कि कनाडा से लेने की चीज क्या थी। कनाडा से हमने लिया है फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय संरचना, जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है वो वहां से लिया। और क्या लिया, नॉमिनेटेड गवर्नर ऑफ ए स्टेट या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, यानी मनोनीत राज्यपाल उपराज्यपाल का पद, ठीक है। तीसरा क्या लिया, रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, तीन चीजें। फिर हमने क्या लिया, जो केंद्र और संघों के बीच विभाजन होता है विषयों का, एलोकेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वी ऑल्सो टेकन फ्रॉम यू नो कनाडा। दिस इज द मेन व्यूज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, नहीं यही ना, देखिए जब कोई देश के भीतर दो लेवल की सरकार होती है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट्स लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट्स लेवल, सेंट्रल को ही यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और नीचे वाले को प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कट डिवाइड होते हैं कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी और किस पर स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, यानी सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबली रूल बनाएगी और उस पर एग्जीक्यूट करेगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स सेंटर यहां पर क्या होता है, टायरेंट नहीं होता, डिक्टेटर नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती, दे functions फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, नॉट alone बट unanimously। दिस इज द वे। अभी कोरोना चल रहा है और हर 15 दिन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, negotiating विद ऑल स्टेट्स चीफ ministers। इट इज a बेस्ट example ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, यू नो दैट। बहुत ऐसी चीजें, मनोनीत राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, जो पार्टी मैक्सिमम सीट्स जीत कर आती है स्टेट्स में, वो पार्टी से
जो असेंबलीज मेंबर्स के लीडर हैं उसमें एक चेयरमैन बन सॉरी लीडर बनते हैं, और वो लीडर गवर्नर जो है उन्हें बुलाते हैं कि नाउ यू हैव टू बिकम टू मेक योर फॉर्म योर गवर्नमेंट, और उसे अपॉइंट कर देते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो एक्चुअली देखा जाए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, चीफ मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इफ गवर्नर्स आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, इट विल बी द पावर रेसलिंग स्टार्ट, कि बोथ आर पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, सो द गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन। एक ही जंगल में दो शेर नहीं, बट शेर अगर एक ही है तो उसको कोई तो कंट्रोल करेगा। द सेंट्रल विल कंट्रोल टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देन हु विल बी हैंडल्ड, देन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड गवर्नर इन ए स्टेट्स, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द नॉट अपॉइंटेड नॉमिनेटेड। सो ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स नॉमिनेटेड गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो भारत में राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री कहिए या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर मनोनीत किया जाता है। मनोनयन, मनोनयन मतलब राष्ट्रपति अपने मन से, फंडामेंटली कॉल द राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं, ये मतलब हुआ मनोनयन, ठीक है, अपनी इच्छा से, यूनानिमसली नॉट कंसेंसली। तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां। एज यू नो दैट देर आर नंबर्स ऑफ शेड्यूल इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर ए शेड्यूल दैट कॉल द सेवेंथ शेड्यूल, एंड दिस सेवेंथ शेड्यूल हैज थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स कैटेगरी। द वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज ए स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट राज्य सूची, केंद्र सूची यानी संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं लाइक डिफेंस, यू नो डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कंट्री सिक्योरिटी, ट्रेड, रिलेशन विद अदर कंट्री, डिप्लोमेसी, एविएशन, नंबर ऑफ डिफरेंट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड मोर रेलवे, नहीं तो ये सब विषय यूनियन में है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट रूल बनाएगी, लागू करेगी, एंड होल कंट्री विल ओबे इट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एक्विजिशन एंड मोर, ऑल दीज आर come under the power of a state's government, and the state's assemblies will make law on this issue to jurisdiction of this state's boundary. That's called a state list. And there are some subjects, thus union, the union and a state's government can make law, like public health, education, sports, forestry, and so many things. So at the time of making constitution that divided in three categories the all subjects, but those subjects are not conformed, but it could be emerged in future to rule it, to make the law on it, on that subject. The decision was taken by these people. In future if any subjects arise and need to be made law, this work will be done by union government, I mean parliament, not a states assembly, parliament. This is called residuary power. इसे क्या कहा गया? अवशिष्ट शक्तियां। तो ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के मामलों में अवशिष्ट शक्तियां जम्मू कश्मीर सरकार के पास
उसकी असेंबली के पास थी, केंद्र सरकार के पास नहीं थी, संसद के पास नहीं थी, बट इट वॉज टर्न, ये बैक हो गया। अब सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में रेसिड्यूरीज पावर इन हैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस इज द ड्रास्टिक चेंज। सो दिस रेसिड्यूरीज पावर्स प्रोविजन वी टेकन फ्रॉम कनाडा। अब समझ में आया कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया। तो ये है चीजें कि कनाडा से हमने ये तमाम चीजें ली, तो व्हाई नॉट वी हैव टू बी पुट दिस थिंग्स। तो लिख देते हैं कि क्या क्या लिया बेटा। तो संघात्मक व्यवस्था, मनोनीत राज्यपाल, अवशिष्ट शक्तियां, तो देखते हैं यहां लिखता हूं मैं। संघात्मक व्यवस्था, मनोनीत राज्यपाल, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, और क्या लिया बेटा, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट। बेटे यहां जगह की कमी है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, है यहां पर एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, ये थोड़ा समझना होगा। अब हमने यूएसए से क्या क्या लिया, तो यूएसए से क्या क्या लिया अभी बताता हूं। एक 3-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, बने रहिएगा, वीडियो लाइव नहीं बंद हो रहा है, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूंगा, लीजिए।
ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब अमेरिका से क्या क्या लिया? तो अमेरिका से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। दूसरा क्या लिया? द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का प्रोविजन, उसके पावर्स, उसकी शक्तियां, तमाम चीजें। फिर क्या लिया? वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एंड पावर्स, उपराष्ट्रपति का पद, कार्य शक्तियां। और क्या लिया? तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। और क्या लिया? पब्लिक लिटिगेशन, जनहित याचिका, वहीं से उठा। और क्या लिया? फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बल, यानी जो प्रस्तावना है उसका पद फ्रेम लिया। और क्या लिया? तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहां से लिया। तो ध्यान रखिएगा, एक खास चीज है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस एंड द प्रोविजन ऑफ इंपीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये भी हमने वहीं से लिया। तो छोटे छोटे शब्दों में पहले से लिखता हूं, फिर व्याख्या करता हूं। थोड़ा सा यहां पे हमें यूएसए से क्या क्या लिया, ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा शॉर्ट में चले ताकि ये अरेंज हो जाए, फंडामेंटल्स राइट्स। फिर क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट्स, और क्या लिया, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया, ठीक है, और क्या लिया, पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, जनहित याचिकाएं, जनहित याचिकाएं ली, और क्या लिया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू लिया और क्या लिया, फ्रेमिंग ऑफ। तो पब्लिक लिटिगेशन को कहते हैं बेटा जनहित याचिका। यह हुआ न्यायिक पुनराव पुनरावलोकन। और एक चीज लिया ना बेटा, फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बल। तो मैं ये भी चाहूंगा फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना का फ्रेम, ये भी दिया, ठीक है। तो देखा आपने, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बल, और एक महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग भी दिया। इसको क्या कहते हैं, इंपीचमेंट। ये लिया, ये ध्यान पॉइंट क्लियर। तो मैं जरा इस लाइन को यहां से देख देता हूं कि ये हमने लिया, ठीक है। अब ध्यान दें, एक दो तीन चार पांच और ये छह और ये सात, यानी टोटल सेवन थिंग्स हमने अमेरिका से लिया, ठीक है। अब इसको सुन, मूल अधिकार, मूल अधिकार की शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई, लेकिन जिस तरह से मूल अधिकारों की चर्चा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस चीज को हमने अडॉप्ट किया। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत सिंपल है, द सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट्स एस्टैब्लिशमेंट्स पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शंस वी जस्ट टेकन फ्रॉम, व्हाई नॉट वी टेकन फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन हैज had no Supreme Court. There was a Privy Council that makes from the sub members nominated by the Queen and sub members from Law House of Lords and some specialist make Privy Council working under as a chairpersons of Queen Elizabeth II. So there was no provisions of Supreme Court in Britain. So we taken from America. So actually in Britain, the Supreme Court established in 2009, 1st October. 2009 में 1 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय का गठन ब्रिटेन में होता है, 11 साल पहले, और 5 अक्टूबर को वो फंक्शन में आ जाता है, और 15 अक्टूबर 2009 को उसमें पहला केस आता है। तो प्रिवी काउंसिल का केस सारा धीरे 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 समाप्त हो जाएगा,
और नई केस इसमें एंट्री लेगी और प्रिवी काउंसिल वन डे विल बी एंडेड, इसलिए वहां से नहीं लिया। जनहित याचिका क्या होता है? इफ एनीबडीज एनी इंस्टीट्यूशंस इवन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एनी एनजीओस एनी पर्सन एनी ग्रुप ऑफ पर्सन एनी कास्ट एनी क्रीड एनी रिलीजन एनी वन इफ वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स यू हैव ए सुप्रीम राइट टू बी गो इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू अवेल दिस फंडामेंटल राइट्स बाय द कोर्ट्स इन दैट रिस्पेक्ट यू सेल्फली अदरवाइज एनी वन एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन इंट्रोड्यूस्ड कैन सेंड टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑन एनी पोस्ट कार्ड इवन टू एक्सेप्टेड बाय एक्नोलेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेल्फली और ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट इज नॉट ए इंडिविजुअल राइट इट इज अ कॉलेक्टिव राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। मैं आपसे ये कहा कि मूल अधिकार जो है ये नागरिकों का सामूहिक अधिकार है, किसी भी एक व्यक्ति विशेष जाति विशेष धर्म विशेष के मूल अधिकारों का अगर कोई भी हनन करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो कोई संस्था कोई व्यक्ति हो कोई समाज हो, हनन करता है तो वह व्यक्ति जिसका हनन हो रहा है जिसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है वो खुद नहीं तो कोई भी भारत का नागरिक किसी कोने का हो उसके संदर्भ में एक याचिका एक एप्लीकेशन एक लिटिगेशन एक पोस्ट कार्ड पे भी चार लाइन लिख के डाल देता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन कर देगी एक्शन में आ जाएगी। इवन कोई कुछ नहीं करता तो इवन वो डायरेक्टली एक्शन में आ जाएगी सेल्फ एक्नॉलेजमेंट खुद से संज्ञान लेते हुए। दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक लिटिगेशन। रोज जनहित याचिका दायर होती है ना, सुनते ही हैं देखते ही अखबार पढ़ते ही हैं पीछे से, ये पावर है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोई जज ने कोई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो फैसला दे दिया पर बाद में अगर कुछ नई चीजें आती हैं कि उसको कैसे समझा जाए कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं तो जुडिशियल रिव्यू होता है पुनर्विचार होता है पुनर्समीक्षा होती है। यू नो फंडामेंटल राइट्स व्हाट्सएप का मैसेज गोपनीय होगा या नहीं, तीन तलाक ये रिलीजियस सेपरेशंस है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस है, ये भी जुडिशियल रिव्यू हुआ। तो बहुत सारी चीजों का जुडिशियल रिव्यू होता रहता है कि ये कैसे परिभाषित किया जाए, ये मतलब है। और जो हमारा फ्रेम है यानी देयर इज ए प्रोविजंस ऑफ प्रीएम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने वहीं से लिया। और वाइस प्रेसिडेंट का जो काम है वो सारा का सारा हमने वहीं से लिया। तो सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स ये सब। और रूल कहता है उसको गौर से सुनिए, राष्ट्रपति अपने ठीक है पद पर रहते हुए अगर पक्षपात करते हैं पद के अनुकूल आचरण नहीं करते कार्य सक्षम नहीं रहे तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाएगा। इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट कैपेबल टू फंक्शन डूइंग वर्क इन फेवर ऑफ समवन और इफ नॉट बिहेविंग प्रॉपरली एज देयर पोस्ट इन दैट रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट हैज पावर टू इंट्रोड्यूस इंपीचमेंट अगेंस्ट ऑन द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर ए वर्दी प्रोसीजर्स द प्रेसिडेंट हैज बीन नॉट डिसमिस्ड बट फील द पोस्ट हैज बीन वैकेंट एंड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द वाइस प्रेसिडेंट टेकिंग चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यही है, राष्ट्रपति जब कार्य सक्षम ना हो पक्षपात करे
पद के अनुकूल आचरण न करे तो उसे पद से हटाया जा सकता है। हटाने का काम संसद करेगी, संसद यानी दोनों सदन मिलकर के करेगी, और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाएगा, इम्पीचमेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये सब हमने अमेरिका से लिया। चलिए अमेरिका के बाद आया आयरलैंड। यहां हमने क्या लिया, तो आयरलैंड से एक छोटी सी चीज ली, आपको भी पता है हमने आयरलैंड से लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो बेटा राज्य के नीति निदेशक तत्व जो पार्ट फोर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया। इसको सिंपली ऐसे समझिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट इज नॉट ए लॉ बट इट इज ए मॉरल पर्सुएशन, ए बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम, टू मेक कंसेंसस इन इंडिया एंड मेक ए लॉ ऑन दिस इशू ऑन दिस सब्जेक्ट, टू मेक द इंडिया ए वेलफेयर स्टेट। So it is all morals like situation। कहने का मतलब यह है नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, तो क्या कहते हैं स्टेट्स, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब है हमारा संविधान पार्ट फोर के तहत आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के जो प्रोविजंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वह कानून नहीं है, ये एक मोरल इंस्ट्रक्शन है, एक नैतिक निर्देश है जो हमारी हमारा संविधान राज्यों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देता है कि इन विषयों पर समय समय पर आम राय बनाते हुए इस पर कानून बना करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे और इस तरह से देश को एक कल्याणकारी देश बनाए, वेलफेयर स्टेट बनाए, ये कहा गया है। तो ये बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज इट इज नॉट लॉ इन दैट रिगार्ड, इट कैन नॉट बी हियरेबल इन द कोर्ट, चूंकि ये कानून है नहीं, तो अगर उससे जुड़ा सरकार कोई काम करती नहीं है तो आप सरकार पर यह आरोप या चार्ज शीट नहीं लगा सकते कि आप जो है इसे पूरा करिए। कोर्ट भी आपके याचिका को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्लियर कहेगी इट इज नॉट इन माय पावर बिकॉज इट इज नॉट लॉ बिकॉज देयर इज नो वायलेशंस ऑफ लॉ। इफ लॉ इज नॉट एग्जिस्ट देन व्हाट इज द वायलेशंस ऑफ लॉ। तो ये याद रखने की चीज है कि नीति निदेशक सिद्धांतों से जुड़े विषय यानी भाग चार यानी आर्टिकल 36-51 किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सुनवाई के योग नहीं है, हियरेबल नहीं है। लेकिन जब इस पर कोई कानून बन जाए तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सांचे से बाहर आकर के किसी और आर्टिकल्स वगैरह में जुड़ जाता है। तब अगर उस पर कोई काम नहीं करता तो वायलेशन ऑफ लॉ है, देन मस्ट बी हियरेबल इन द कोर्ट। So this is the directive principle that's we taken from Ireland. Clear? तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आए। अगला पॉइंट है आपका इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के ऊपर चलते हैं। एक मिनट,
सॉरी बेटा, एक इमरजेंसी कॉल था, वो अटेंड करना जरूरी था। तो ये हो गया बेटा, अब आते हैं इंग्लैंड। अब इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया, ठीक है? तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया, अगर इसका संदर्भ देखें तो ये बात बनती है। इंग्लैंड से हमने क्या लिया, तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड से ही लिया। क्या लिया? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, सांसदों के विशेषाधिकार, फिर संसदीय कार्य प्रणाली, रूल ऑफ लॉ, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये सब हमने क्या लिया, तो ये सब हमने लिया आपके इंग्लैंड से। तो देखिए क्या क्या लिया इंग्लैंड, रूल ऑफ लॉ, संसदीय प्रणाली, और क्या लिया, स्पेशल राइट्स ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट, और क्या लिया बेटा, इसको कहते हैं पोस्ट ऑफ ए स्पीकर, यानी लोकसभा स्पीकर का पद, कार्य शक्तियां, पोस्ट ऑफ स्पीकर्स, पावर एंड फंक्शन, पावर फंक्शन पोजीशन, ये भी लिया, और क्या लिया, तो पोस्ट ऑफ स्पीकर्स, पावर फंक्शंस, और हाउस फंक्शन, हाउसेस जो भी है उसके फंक्शंस, और क्या लिया, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी लिया बेटा, और क्या लिया, एक और चीजें ली हमने जिसको कहते हैं राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ठीक है, यानी औपचारिक मतलब प्रेसिडेंट्स सिंपल पोजीशन, तो जो राष्ट्रपति का औपचारिक व्यवस्था है वो भी हमने लिया बेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने राष्ट्रपति का पद तो लिया, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पे सारे पावर्स जो एक्चुअली प्रैक्टिस करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, एज ए फॉर्मल प्रेसिडेंट, वो हमने वहां से लिया है। तो फॉर्मेलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स ये कहेंगे हम वहां से लिया। हमारे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी कार्रवाइयां होती हैं वो उसी प्रोसेस से होता है जो ब्रिटेन से होता रहा है। हमारे एमपी ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए ऑफ द विधानसभा, एमएलसी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ऑल दीज आर मेंबर्स, देयर सम स्पेशल राइट्स, उसके कुछ विशेषाधिकार हैं। सो द मोस्ट ऑफ द स्पेशल राइट्स वी टेकन फ्रॉम देयर, आई मीन ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ, यानी हमारे देश पर कौन शासन करता है, नॉट नरेंद्र मोदी, नॉट रामनाथ कोविंद, नॉट योगी सरकार, द रूल गवर्न द कंट्री, देश पर कानून शासन करता है, और इस शासन को संचालित करने के लिए, टू ड्राइव दिस लॉ, देर आर गवर्नमेंट्स एंड अदर मोर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इवन फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टू
a pun. Those are government. So in that respects, देश पर कानून का सर. In every democratic country, the rule, the law rule the nation. तो किसी भी देश में बेटा क्या होता है, कानून शासन करता है. महिष्मति में यही कानून तो नहीं था जिसके लिए देवसेना आते ही बोली थी, बात समझ में आई? क्योंकि वहां तो मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये बात थी. तो ध्यान में रखना है, ठीक है. तो ये सब चीजें हमने यहां से लिया. तो चलिए, सांसद कार्य प्रणाली ये सब लिया. और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो हमारे मिस्टर ओम बिरला फिलहाल है, तो द पोस्ट फंक्शन पावर एंड स्टेटस ऑफ द स्पीकर इज ऑल थिंग्स वी टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. तो याद रखिए, और इतना लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब किसी मसले पर कोई हल ना सूझे, देयर इज नो एनी रेफरेंस, देन यू हैव टू बी सी द सेम सिचुएशन इफ अकर इन ब्रिटेन, देन हाउ दे ट्रीटेड सॉल्व इट इन दैट रिस्पेक्ट. तो ध्यान में रखना, ठीक है. तो इस तरह से ये हुई बात. अब अगले पॉइंट पर आइए, इंग्लैंड के बाद बात करते हैं फ्रांस, ठीक है. ध्यान में देना है फ्रांस से क्या लिया. आप भी जानते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया. तो एक तो लिया रिपब्लिक सिस्टम, एक लिया रिपब्लिक सिस्टम बेटा, दूसरा लिया हमने अच्छा फ्रांस को चौथा गणराज कहते थे, फोर्थ स्टेट, ठीक है. तो ये चीज, तो एक रिपब्लिक सिस्टम लिया, दूसरा हमने लिया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये दो चीजें, ठीक है. और एक समानता बंधुता मालूमी है, ये तीन चीजें. तो लिखिए, गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस से लिया, दूसरा 12 राज्यसभा में 12 मनोनयन, 12 सीटों के लिए जो मनोनीत करते राष्ट्रपति, वो लिया. और क्या लिया, तो तीन वर्ड्स लिए, इक्वालिटी लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी तो सॉवरेनिटी लिया, जिसको हम कहते हैं समानता उदारता यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है. ये सॉरी इक्वालिटी लिबर्टी आ गई ना, ये लीजिएगा इक्वालिटी लिबर्टी. और एक है जिसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, जिसको आपने क्या कहा बेटा, समानता स्वतंत्रता और भाईचारा यानी बंधुता. ये तीन शब्द हमने वहीं से लिए, फ्रांस के राज क्रांति की ये तीन शब्द थे जो 1789 में फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन हुआ था, 14 जुलाई उसका एक इंपॉर्टेंस पड़ाव है. तो ये तीन शब्द ही क्रांतिकारियों के जुबान पे था, भाई एक लोगों के बीच में भाईचारा फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फ्रीडम लिबर्टी होनी चाहिए और सबके साथ इक्वल बिहेव होनी चाहिए. वेन यू हैव टू बी गिवेन द इक्वल बिहेव, इट इज ऑलरेडी दैट इज द कंसिडर्ड फ्रेटर्निटी, एंड इफ देयर हैव फ्रेटर्निटी इट इज ए काइंड ऑफ द फ्रीडम लिबर्टी. ये बात कही गई. तो ये याद रखना, ये तीन चीजें हमने वहीं से लिया है, ठीक है. और आज इससे आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, पर कल अब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है. चलिए, तो आज के लिए इतने ही पर हम लोग रोकते हैं बेटा, तो बेहतर होगा कि यही हम रोकें, ठीक है. तो आगे बात करेंगे फिर कल. थैंक यू वेरी मच फॉर मीट टुमारो.